स्वागत है हमसा कुकिंग में। चिकन कबाब बनाने जा रहे हैं हम। चिकन वो बोनलेस चिकन लेने का इस तरीके के, और उसको कैंची की मदद से छोटे छोटे से पीस करने का, इस तरीके से ऐसे पीस करने का। फिर हम उसको मिक्सी में थोड़ा पीसेंगे इसे चिकन कबाब। बाकी की सामग्री भी हम बताते हैं। चिकन कबाब बनाने के लिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कैंची की मदद से करने का, उसमें छोटी मोटी हड्डी निकलेगी, ये निकाल देने का। छोटी मोटी हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ निकाल देने का। फिर अब उसकी सामग्री बताते हैं। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, सौंफ, जीरा, काली मिर्च और अदरक के टुकड़े, नमक और बेकिंग सोडा, जो अपन भजिए में डालते हैं, इडली में डालते हैं, तो बेकिंग सोडा है, एक चुटकी सोडा लेने का है। सबसे पहले हम मिक्सर जार में ये चारों चीज पीसेंगे। इस तरीके से पीस गए हैं। अब ये हरा धनिया, पुदीना और लहसुन भी मिक्सर जार में डाल देंगे। मिक्सर जार में डाल के इसको भी बारीक पीस लेंगे। हमारा चिकन कबाब मसाला तैयार हो गया। इसमें हमने सभी मसाले पीस लिए हैं। अब हम ये चिकन, नमक और बेकिंग सोडा, ये तीनों को भी मिक्सर जार में डाल देते हैं। अब हम इसको मिक्सर में अच्छे से ज़रा पीसेंगे। चिकन कुछ इस तरीके से पीस जाएगा। हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा चमची, एक चमची के बराबर। कुछ इस तरीके से पीस जाएगा। पानी का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि चिकन में पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें चिकन में जो हमने मसाले पीसे थे वो मसाले पूरे डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से ऐसे मसलने का, पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, तो हमारे पूरे चिकन कबाब में सब मसाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये 200 ग्राम चिकन था, उसके अंदर हम कम से कम 5 से 6 कबाब बनाएंगे इस तरीके से लेके। इसको अच्छे से भून करके ये कबाब हमारे छोटे बेटे के फेवरेट कबाब है। ये 20 साल पहले मैंने उसके लिए बनाए थे, ये उसका फेवरेट कबाब है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें कबाब रख देंगे। पलटो। अब हमारे कबाब को वो पलटेंगे। तो इसका कलर कितना सुनहरी हो गया है। कबाब फर्स्ट क्लास बन गए। मैंने 20 साल पहले ये कबाब बनाए थे, जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आते हैं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। चिकन कबाब तैयार हो गए। हमारे चिकन कबाब तैयार हो गए। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग एक चिकन कबाब एक बार ज़रूर बनाएं।